हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास सेवन दिस इज द पार्ट टू वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर टू दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स तो बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है या हम बोले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है अब वेल डेवलप्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं ठीक है थीके? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस चीज का बना है ऑर्गन्स का और ग्लैंड्स का ठीक है और वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं डिटेल में तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको देखिए आप पहली चीज जो शुरू हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वो है ओरल कैविटी या फिर हम इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी ठीक है cavity, क्या बोलेंगे इसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी ठीक है अब दूसरी चीज आती है आपकी टंग देन दिस इज द इसोफेगस देन दिस इज द स्प्लीन एंड लिवर देन दिस पोर्शन इज द गॉल ब्लैडर दिस इज द क्रियाज दिस इज द स्टमक दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन then this is the small intestine then this is the appendix this is the appendix then this is rectum and this is the anus so this is the complete diagram of human digestive system okay now moving in detail about all the organs and the glands so डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और नाम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और नाम है वो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक अब यहां पे जो ऑर्गन्स हैं ठीक है सच एज लिवर पैनक्रियाज और भी बहुत सारे ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं है ना जो कि शुरू होती है कहां से माउथ से डाइजेस्ट Digest, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू कहां से होगी बच्चे माउथ से होगी और एंड होगी पे स्टार्ट हो रही है माउथ से और एंड हो रही है कहाँ एनस पे ठीक है अब हम बात करते हैं इंजेशन ऑफ फूड की तो इंजेशन ऑफ फूड जो है बेटा फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल फूड जो है एंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल uh, में माउथ के थ्रू है ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा माउथ से स्टार्ट होता है अब माउथ में क्या प्रेजेंट है टीथ ठीक है माउथ में क्या प्रेजेंट है बेटे टीथ तो ये टीथ क्या करते हैं मिक्स करते हैं च्यू करते हैं और जो फूड है उसको मिक्स कर देते हैं किसके साथ सलाइवा के साथ अब डाइजेशन इन माउथ बेटा जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है माउथ को हम क्या बोलते हैं बक्कल कैविटी आपको बताया ना बक्कल कैविटी किसको बोलेंगे माउथ को अब बक्कल कैविटी में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है फूड का और यहाँ पे माउथ के अंदर ही फूड को सलाइव च्यू करके सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है अब ये जो प्रोसेस है बाइटिंग और ग्राइंडिंग की फूड को इसको हम बोलते हैं छूइंग ठीक है और टीथ और टंग जो है और सलाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं ये फूड का डाइजेशन करते हैं अब मैं आपको बता देती हूँ जो माउथ है उसमें डाइजेशन होता है किसका स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेस करता है है ना सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में क्या होता है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस तो ये सलाइवरी अमाइलेस जो है ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है जो हमारा फूड है उसके अंदर स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है देन यहां आ जाते हैं हम टीथ। टीथ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बाइट करना च्यू करना फूड को ताकि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए अब जो हमारा टूथ है उसकी आप अगर बनावट देखेंगे तो टूथ के ऊपर होता है क्राउन और नीचे होती है रूट्स जो कि आपके गम के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है जो आपका दांत है उसमें सिर्फ आपको क्राउन दिखता है है ना बाकी आपको कुछ नहीं दिखता है अंदर का सिर्फ क्राउन दिखता है अब टीथ कितने टाइप के हैं बच्चे फोर टाइप के टीथ हैं कितने टाइप के टीथ है? फोर, प्री -मोलार्स मोलार्स। हैं फोर और अब इंसीजर्स जो आपके सामने के दांत है ना काउंट करो सामने के दांत हैं उनको हम बोलते हैं इनसीजर्स और ये यूज होते हैं जनरली खाने को बाइट करने के लिए और इनको हम बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको बाइटिंग टीथ और जो इन सीजर्स हैं वो चार होते हैं ईच जॉ में यानी कि फोर प्लस फोर ऊपर के जॉ में चार और नीचे के जॉ में चार ठीक है फिर अब आप आ जाइए केनाइन पे केनाइन जो होते हैं ये होते हैं कस्पिड्स और पॉइंटेड ठीक है केनाइन को हम कस्पिड्स भी बोलते हैं और ये होते हैं पॉइंटेड टीथ्स अब ये जो है खाने को टीयर करने के काम आते हैं स्मॉल पीसेस में खाने को टीयर कर देते हैं अब कैनाइंस जो होते हैं वो दो होते हैं दो ऊपर के जॉ में और दो नीचे के जॉ में ठीक है अब प्रीमोलर जो हैं ये थोड़े से चौड़े होते हैं ब्रॉडर होते हैं और फ्लैट सरफेस होता है इनका काम होता है ग्राइंडिंग फूड ये फूड को ग्राइंड कर देते हैं स्मॉल पीसेस में अब ये जो प्री मोलार्स हैं ये होते हैं फोर एक जॉ में यानी कि फोर प्लस फोर अब मोलार्स मोलार्स जो होते हैं ये बड़े टीथ होते हैं और ये सिचुएटेड होते हैं कहाँ एंड में जो आपकी टूथ लाइन है उसके एंड में ये सिचुएटेड होते हैं अब इनको भी ग्राइंडिंग के लिए ही यूज किया जाता है और ये होते हैं सिक्स सिक्स ईच जॉ में यानी कि अब आप देखिए इनसीजर टोटल नंबर में हुए एट ये कैनाइंस हुए फोर थ्री मोलर्स हुए एट और ये हो गए ट्वेल्व तो टोटल टीथ कितने हो गए आपके कैलकुलेट करिए आपको पता चलेगा है ना 32 होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास अब ह्यूमन हाँ टू सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमन बींग के पास दो सेट होते हैं टीथ के एक होता है टेम्प्ररी और दूसरा होता है परमानेंट अब जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके पास तो दांत ही नहीं होते हैं है ना न्यू बॉर्न बेबी के पास कोई दांत नहीं होते हैं अब जो टेम्पररी सेट है जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं ये जो है न्यू बॉर्न बेबीज में आने लगता है कब छः से पाँच महीने की एज में जब न्यू बॉर्न बेबी कितने साल का होता है साल नहीं आ, हम बोलेंगे छः महीने से पाँच साल की उम्र तक जो है वो मिल्क टीथ आते हैं बच्चे के अब ये जो टेम्पररी सेट है ये अप्रोक्सीमेटली कितने दांत का होता है ट्वेंटी टीथ्स होते हैं टेम्प्ररी वाले में कितने होंगे ट्वेंटी टीथ्स होते हैं और जो परमानेंट है उसमें होते हैं थर्टी टू टीथ्स और टेम्प्ररी जो टीथ्स होते हैं वो सेवन की एज में सब रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से तेरह साल की उम्र तक हो जाते हैं ना अब उसके बाद क्या होता है चार विजडम टूथ भी होते हैं है ना और जो हमारे टीथ्स हैं, वो उनके ऊपर एक कोटिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं इनेमल और ये जो इनेमल है ये प्रोटेक्ट करता है दांतों को खराब होने से अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है टीथ्स ऑफ अडल्ट अब यहाँ देखिए आप लोअर और अपर जॉ दिया हुआ है और यहाँ टीथ्स दिए हुए हैं इनसीजर्स केनाइंस प्री मोलार्स मोलार्स, ठीक है ये टीथ्स आपको दिए हुए हैं ये इंसीजर्स हैं तो पहले दिया है सेंट्रल इंसीजर्स देन लेटरल इंसीजर्स देन कस्पेड्स, दिस इज द पॉइंटेड टीथ दैन फर्स्ट मोलार सेकेंड मोलार फर्स्ट प्री मोलार, सॉरी फर्स्ट प्रीमोलार सेकेंड प्रीमोलार फर्स्ट मोलार सेकेंड मोलार एंड थर्ड मोलार ठीक है दीज आर द टीथ्स ऑफ ह्यूमन एडल्ट अब टीथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी हमको केयर भी करनी पड़ेगी अगर हम टीथ्स की केयर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा टूथ डीके होगा या फिर कैविटी हो जाएगी और दूसरी बात बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में जो एक्ट करते हैं फूड के रिमेनिंग्स पे जो कि आपके टीथ्स में चिपके रहते हैं और यही कॉज करता है क्या टूथ डीके और डिग्रेडिंग टूथ इनैमल को अब जो टूथ डीके है या गम डिसीज है वो लीड करती है किसको पेन और टूथ लॉस को जो हेल्दी हैबिट्स हैं जैसे कि ब्रशिंग ट्वाइस रेगुलरली कैन प्रिवेंट डी के कैिटी एंड टूथ डिजीज अब एक फैक्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं जो इनैमल कोटिंग होती है बच्चे जो इनैमल कोटिंग है आपकी टीथ्स पे वो क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है इनेमल क्या है बेटे इनेमल अब ये जो इनेमल है ये हार्डेस्ट है और दूसरी बात ये जो सब्सटेंस है ये स्ट्रोंगर है बोन्स से भी ज्यादा ये किससे स्ट्रोंग है बोन्स से भी ज्यादा और इसीलिए ये प्रोटेक्ट करती है टूथ डीके होने से ठीक है अब यहाँ हम टंग की बात करते हैं तो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पुश करती है फूड को अपसाइड डाउन अपसाइड इनसाइड डाउन ये सारे काम ये करती है टंग और ये मिक्स करती है सलाइवा को फूड के साथ इसके बाद टंग जो है उसमें होते हैं क्या टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं ठीक है ठीके? तो इस टेस्ट बर्ड से आपको पता चलता है कि फूड का टेस्ट कैसा है तो ये टेस्ट बर्ड होते हैं सरफेस पे जो कि डिटेक्ट करते हैं कि टेस्ट uh, कैसा है मतलब इट हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ टेस्ट नाउ गेट इट राइट ये अर्लियर इट वॉज टेस्ट बर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग दैट डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड ऑन द स्पेसिफिक एरिया ओनली बट इट इज नॉट लाइक दैट लेटर इट वॉज प्रूव दैट ईच टेस्ट बर्ड कैन डिटेक्ट ऑल द टेस्ट सारी टेस्ट वर्ड सारे टेस्ट डिटेक्ट कर सकती है ऐसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट बर्ड नहीं होती है ठीक है सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर हेयर ओनली इन पार्ट थ्री वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड सो स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज थैंक यू ड्यूर लर्नर्स